भाई बा एटा तो सायरी हे गला अंधेर नगरी चौपट राजा टंकड़ा प्रति किलो तरकारी टंकड़ा प्रति किलो खाजा गुरुजी तांको शिष्य मानक सहित भिक्षा मागिबा पाई कोटी नगर को जाउथिले। दूररु देखिया को गले तो नगर विशाल देखा जाउची लागुची एठारु हमको अधिक भिक्षा मिलिबो आपनको मोरे घी आउ चिन्नी गुरुजी अधिक भिक्षा प्राप्त करिबा पाई देवानंद तमे उत्तर दिगरे जाओ आउ चेतन आनंद तमे दक्षिण दिगरे। आज्ञा गुरुजी। तीन जन साधु निज मार्ग रे अलग अलग दिशा आड़े गले। अरे भाई ए सेवर दाम केते कोनो टंकाटा प्रति केजी पंडित जी आ अमृत भंडा सेईडा भी टंकाटा प्रति केजी सब टंकाटा प्रति केजी भाई चणार दाम केते टंकाटा प्रति केजी आ काजू बादाम सेईडा भी टंकाटा प्रति केजी। अरे वाह एडी तो सब जिंस टंकाटा प्रति केजी रे मिलुची। पैसा पचारीबा पई देवानंद मिठाई रो दुकान को गला। अरे भाई लड्डू रो दाम केते टंकाटा प्रति केजी पंडित जी आउ काजू कतली सेईटा भी टंकाटा प्रति केजी पंडित जी। काजू कतली रा सस्ता पैसा सुनी ता मुह रे पानी आसी गला। पंडित जी आपण तो नुआ नुआ लागुचंती। अरे भाई एई नगर रे केवल मिठाई ही नुआ कोनोसी दुकान को चली जाओ सब जिनिस एठी टंकाटा प्रति केजी मिलिबो। अरे वाह एटा तो बहुत बढ़िया कथा अटे। अच्छा ए नगर रे ना कोन अटे एई नगरी रे ना अंधेर नगरी आउ इठी का राजांकर ना कौन चौपट राजा। भाई बा एटा तो सायरी हे गला अंधेर नगरी चौपट राजा टंकाटा प्रति किलो तरकारी टंकाटा प्रति किलो खाजा। पंडित जी खाली प्रश्न पचारिबो ना किछि नबो भी अवश्य नबी। भाई एही नगर रु मते बिकरे 7 टंका मिलि छि तो 3.5 किलो मिठाई दे दियो मते। हां हां काहे कि नुए एबे ही वजन कर दउ छी किंतु पंडित जी को मिठाई देबी लड़ू की काजू कतरी दे दियो काजू कतरी एते सस्ता मिलुची तो लड़ू थोड़ी खाइबी। दुकानदार 3.5 केजी लड्डू मापी की कहिला। अच्छा आपन को हम नगरी केमिति लागिला अति सुंदर मु तो भाबुची की एईठी रही जीवी। पूर्णी देवान निज गुरुजी को पाख को गला भिक्षा नहीं आसिलो देवानन तमरा थाली देखी लागुची कि सबुडो अधिक भिक्षा तमे ही आनी छ देवानंद। हां गुरुजी एही नगरी रे सबु जिनिस टंकाडा प्रति केजी मिलु छी मते भिक्षा रे 7 टंका मिलिला तो से टंका रे मु पूरा 3.5 किलो मीठा नै गली आउ सेइटा भी काजू कतरी। कोन तमे सत कहू छ एही नगरी रे सबु जिनिस टंकाडा प्रति केजी मिले। हां गुरुजी तबे तो हमकू बहुत जल्दी एही नगरी रु चली जिबा उचित एठी आउ अधिक समय रहिबा विपदरु मुक्त हेबो नै। किंतु क्षमा करिवे गुरुजी मु तो आउ किछि ही भाबिथिली। कोन भाबिछ शिष्य? गुरुजी मु तो एही नगरी रे सबु दिन पई रही जिबाकू भाबुछि एमितिया अद्भुत नगरी आमकू आउ कोठी मिलिबो नाही सबु जनिस टंकाडा प्रति केजी अल्प रोजगार कर आउ अधिक खा। गुरुजी देवानन को निज सहित जिबा पई बहुत अनुरोध करले देवानन मानिनले। शेषरे गुरुजी थक्की हारी के देवानन को कहिले ठीक अछि शिष्य जहां तुमरो इच्छा किंतु गोटे कथा मने रखिबो एही नगरी ठीक लागुनी एठी तमो जीवन प्रति विपद भी आसी पारे। आउ गोटे कथा मने रखिबो केबे संकट आसीबो कि विपद आसीबो तो मते निश्चय मने पकेइबो तुमको बंचेइबा पई मु निश्चय आसीबी। चलो शिष्य आसुची। गुरुजी आउ तांको अन्य जण शिष्य निज अन्य मार्ग रे चली लागिले। को कौन आला? महाराज बल्लू बणियार कांत भुसुड़ी पड़ी छी आउ मो छेली कांत तळे चापी हे जाई छी मोर न्याय दरकार महाराज न्याय दरकार। अच्छा तो दोष बल्लू बणियार बल्लू बणिया को दरबार को डका जाओ। बल्लू बणिया हाजिर अछि महाराज। को बल्लू यार छेली केमिति मरि गला? महाराज एथिरे मोर कोनोसी दोष नाही कारीगर दुर्बल कांत बनैथिला सेति पई भुसुड़ी पड़िला। अच्छा तो दोष कारीगर रा बल्लू को छाड़ी दियो आ कारीगर को नहीं आसो। को कारीगर यार छेली केमिति मरि गला? महाराज एथिरे मोर कोनोसी दोष नाही
चुनावाला एमिति चुना देला कि कांथ भुसुड़ी पड़िला। अच्छा एही कथा अटे दोसो तोर भी नु है चुनावाला को नहीं आसा। चुनावाला का तू खराब चुना काहे की बनेलो? महाराज एतिरे मोर कोनोसी दोसो नहीं, मिस्त्री चुना रे कम पाड़ी मिसेला सेति पई चुना खराब हेई गला। अच्छा तो छेली रा मरिवार कारण मिस्त्री अटे, मिस्त्री को नहीं आसो। कहो मिस्त्री चुना रे पानी कम काहे की मिसेलो जहां पई कांतो भुसुड़ी पड़ीला? महाराज पानी तमु बहुत अधिक मिसेई थिली किंतु सेथिरो हरियार छेली सब पानी पी गला सेति पई कांतो भुसुड़ी पड़ीला। मु निर्दोष अटे महाराज, मु निर्दोष अटे। तो दोष हरियार ही अटे, गिरफ्तार करनिया को आओ आकु फासी रे जड़े दिया। महाराज मु तो न्याय पई आसी थिली आओ अपन मते ही दोषी सब्यस्त कर देले। आमो न्याय रो चर्चा पूरा दुनिया सारा हुए, तो छेली रा मृत्यु रो कारण तू निजे अटु। जदी तू छेली को बांधी के रखी थांतु तो छेली मिस्त्री रा पानी पी न थांता, छेली पानी पी न थांता तो चुना ठीक तैयार ही थांता, आउ चुना ठीक तैयार ही थांता तो कारीगर मध्यम दृढ़ कांथ बनाई थांता, आउ कांथ दृढ़ होई थांता तो कांथ भुसड़ी न थांता, आउ कांथ भुसड़ी न थांता तो छेली मरी न थांता। छेली रा मृत्यु रो कारण तू निजे ही अटु, हरिया को फांसी रे चढ़ाइ दियो। सिपाही हरिया को नहीं फांसी रो फंदा रे चढ़ेले, किंतु फंदा बहुत बड़ थिला आ हरिया पतला थिबरु से फंदा रे झुली लागे किंतु मरे नहीं। सेथि पाही सिपाही माने हरिया को नहीं कि महाराजा को पाख को आसंती। महाराज फांसी बहुत बड़ अटे आ हरिया बहुत पतला अटे, सेथि पाही हरिया को फांसी देले मध्य से मरिला नहीं। फांसी बड़ अटे आ हरिया पतला अटे एटा ही प्रश्न ना? आज्ञा महाराज। अरे तो को गोटे मोटा को उठे आनी फांसी रे चढ़ाई दियो। राजार आज्ञा मिलिबा परे सिपाही मोटा को खोजिबा पाए लागिले। अरे काजू कतरी खाओ आ प्रभुंकर गुण गाओ। कौन हैले भाई? कथा है कि पंडित तू खाई खाई बहुत मोटा है गलुणी, आउ तते फांसी रे चढ़ेया पई हुकुम मिले छी हमको। आ अरे भाई मोटा अटे बिली फांसी दबो एटा कोठी करने आया अटे? प्रकृत रे कथा एहा अटे कि पंडित कलि हरिया को फांसी देबा पई हुकुम मिलिथला हमको, जते बेले हरिया को फांसी देबा को गल्लु त फांसी रो फंदा बड़ बाहरिला, काहे कि ना हरिया बहुत पतला अटे, फंदा रे लटकी मध्य मरिला नहीं। महाराज कहिले कोनोसी मोटा को उठे आण आउ ताकु फांसी रो फंदा रे चढ़ाई दियो, काहे कि ना छेली रे मरिवार अपराध रे कहारी ना कहारी को तो दंड मिलिबा उचित ना, नहले प्रकृत न्याय कोठु हबो। सिपाही पंडित को बांधी की फांसी रा फंदा पाख को नहीं जानती। मु गुरुजी कर कथा मानिली नहीं, मते तहारी दंड मिलुची, गुरुजी मते रक्षा करंतु, मु आपन का सब कथा मानिबी, मते बंचई दियंतु गुरुजी, मते बंचई दियंतु। गुरुजी छेली ऊपर कांत भुसुड़ी पड़िला जहा पई की मते फांसी दिया जाउची, मते बंचई दियंतु गुरुजी, मते बंचई दियंतु। शिष्य मु तो तमको आगरो ही कहिथिली एही नगरी रे रहिबा विपद मुक्त नुहे, किंतु तमे तो मो कथा सुनिलो ही नहीं। मते क्षमा कर दियंतु गुरुजी, मते बंचई दियंतु। तू चिंता छाड़ी दे एबे मु आसी जाई छी। सुनो सिपाही मो शिष्य को मते गोटे उपदेश दबार अछि, सेति पई किछि क्षण पई आमो को एकांत रे छाड़ी दियो। सिपाही सेठु पळे जानती, तापर गुरुजी देवानंद कान रे किछि कहंती। अरे वाह गुरुजी आपण तो कमाल करि देले, मु ठीक से ही करीबी जहां आपण कहिले। हां चलो पंडित फांसी पाई एबे प्रस्तुत हो जाओ। हां काही कि नुहे, अरे भाई जल्दी जल्दी मते फांसी दे दियो। पंडित तू तो खुशी होउछु, आमे तते हलवा नुह फांसी रे चढ़ाउछु। हां मु जानी छी, एबे जल्दी मते फांसी दे दियो, जल्दी करो। ना सिपाही या कु छाड़ी दियो, मते फांसी दे दियो। ना गुरुजी स्वर्ग को जीवा पाई मते अटकांतु नहीं, भाई मते फांसी दे दियो। ना स्वर्ग को तो मो ही जीवी, मते फांसी दे दियो। ना ना मते फांसी दे दियो। एटा की प्रकार मामला अटे मते किछि बुझा पड़ोनी।
ये कौन सब अड़ुचे? महाराज गुरु कहुछंदी कि मते फासी दे दियो, आ चेला कहुची कि मते फासी दे दियो। मु किछी बुझी पारोनी महाराज। अच्छा कुआ बाबा, तमे फासी रे कौन पाई चढ़ीबा को चाहौचो? महाराज एटा एमिति शुभ मुहूर्त कि जिए भी मरिबो सीधा स्वर्ग को जीवो। महाराज आज पर्यंत मु आपन को किछी भी मागिनी, मु स्वर्ग को जीवा को चाहौची, मते फासी दे दियंतु ना। ना ना दंड मते मिली जी तो फासी रे मु ही चढ़ीबी। ना मु तुम्हारा गुरु अटे, स्वर्ग भी मु ही जीवी, मते फासी अटके दियंतु महाराज। चुप रहो, सब चुप होई जाओ। राजा बंसी ताऊ ताऊ किए स्वर्ग जाई पारिबो? फासी रे मते चढ़ाई दियो, एटा मोर आदेश अटे, चलो जल्दी करो। सिपाही राजा को फांसी रो फंदा रे चढ़े दियंती। एई कहानी रो एही शिक्षा मिली थाए कि राजा हो कि प्रजा, अति लोभ विपदर कारण। जदि आमर वीडियो आपण मानन को पसंद आसु अछि ताले प्लीज आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आ हां वीडियो को लाइक और शेयर करबा केबे भी भूलंतु नहीं। धन्यवाद।